हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पिया एसेंस। आज मैं आप लोगों के सामने एक और वीडियो लेकर के आई हूँ, जिसके लिए आप लोगों ने मुझसे बोला कि हम लोगों को पेशाब की जगह बहुत ज़्यादा जलन होती है, और दूसरी चीज़ पेशाब की जगह हमें इन्फेक्शन हो गया है, यानी कि यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया है, जिसे आप यूरिनरी ब्लडर इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। तो देखिए ये होता क्यों है। देखिए इसके कई सारे कारण हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा कारण ये है कि आप पानी कम पीते हैं। जब पानी कम पिया जाता है तब यूरिन पास आउट होने में परेशानी होती है, और यूरिन पास आउट होने में परेशानी होगी उसकी वजह से इन्फेक्शन शरीर में हो जाएगा, इन्फेक्शन यूरिनरी ब्लडर में हो जाता है। तो इसलिए पानी को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पीजिए। दूसरा कारण है कि आप अशुद्ध पानी पी लेते हैं, यानी कि ऐसा पानी जो कि फिल्टर हुआ नहीं है, ऐसा पानी आप लोगों ने पी लिया है, जिसकी वजह से आपको यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया है। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण ये है कि कई बार ऐसे होता है कि इंटीमेशन करने से पहले और इंटीमेशन करने के बाद आप लोग अपने इंटीमेट पार्ट्स को साफ नहीं करते, धोते नहीं हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है। अब देखिए इन सभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए इनफैक्ट अगर पेशाब आप लोगों को रुक रुक कर आ रहा है, या फिर पेशाब आने में बहुत ज़्यादा जलन फील हो रही है, पीले रंग का पेशाब आ रहा है, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीजिए। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पिएंगे तब आपकी ये परेशानी खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज, यदि ये पानी पीने की वजह से परेशानी नहीं है और ये परेशानी है इंटीमेशन की वजह से, तब आप लोगों को क्या करना है, तब आप लोगों को देखिए अपने खासकर लेडीज ध्यान रखें, क्योंकि जेंट्स जो इंटीमेट पार्ट्स होते हैं वो इजीली वॉश हो जाते हैं, बट लेडीज के इंटीमेट पार्ट्स को साफ करने के लिए प्रॉब्लम आती है, जबकि क्योंकि अंदर तक से क्लीन होना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और बहुत सी लेडीज तो अंदर तक क्लीन नहीं करती हैं। तो अंदर तक क्लीन कैसे करें जिससे कि यूरिनरी इन्फेक्शन ना हो, तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि करीब करीब 10 से 20 ग्राम या फिर आप इतनी मोटी फिटकरी ले लीजिए, नॉर्मल जो व्हाइट कलर की फिटकरी आती है वो फिटकरी ले लीजिए, उसे तवे पर भून लीजिए। जब आप उसे भूनेंगे तो उसका सारा पानी सूख जाएगा और वो एक पाउडर फॉर्म में आ जाएगी, उसको पाउडर जैसा बना लें, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि एक पतीले में पानी लेंगे और उसमें करीब करीब 2 से 3 मुट्ठी नीम के पत्ते डाल लेंगे, ठीक है, और उसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे, और फिर जो आपने अभी फिटकरी का पाउडर बनाया था वो पाउडर उसमें डाल लेंगे। फिर इसे छान करके ठंडा होने के बाद एक बॉटल में भर के अपनी बाथरूम में रख लेंगे। जितनी बार आप बाथरूम के लिए जाते हैं उतनी बार इसी पानी से अपने इंटीमेट पार्ट्स को वॉश कीजिए। अब अंदर तक की सफाई के बारे में मैं बता देती हूँ आपको कि जो सिरिंज आती है, निडिल मत लगाइएगा, जो सिर्फ सिरिंज आती है उसमें आप पानी को भरिए, इस वाले पानी को भरिए और अपने इंटीमेट पार्ट्स में अंदर तक इस पानी को डालिए सिरिंज से। तो उससे क्या होगा कि इंटीमेट पार्ट्स की जो सफाई है वो अच्छे से हो जाएगी और जो आपको यूरिनरी इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। तीसरी चीज, अगर आप लोगों को गंदा पानी पीने की वजह से, अशुद्ध पानी पीने की वजह से प्रॉब्लम है, तब आपको क्या करना है कि फिटकरी लेनी है, नॉर्मल फिटकरी जो आप किसी भी चीज पर लगाते हैं जब घाव हो जाता है, जो आप घाव पर लगाते हैं व्हाइट वाली फिटकरी वो ले लीजिए, उसको करीब करीब 1/4 चम्मच या फिर 2 चुटकी फिटकरी लीजिए और उसे आधे ग्लास पानी में घोल करके और पी जाइए। कब पीना है? सुबह खाली पेट पीना है। कितने दिन तक पीना है? 8 दिन तक कंटिन्यू पीना है, सिर्फ एक ही बार सुबह खाली पेट। तो उससे क्या होगा कि जो यूरिनरी इन्फेक्शन आपको हो गया है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।